अब देश की कृषि नीतियों में इन छोटे किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। हर छोटे किसानों के छोटे छोटे खर्च को ध्यान में रखते हुए पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। आखिर एक हफ्ते में क्यों दूसरी बार पीएम ने छोटे किसानों का अपने भाषण में जिक्र किया है? इसकी सबसे बड़ी वजह विरोध का सामना कर रहे नए कृषि कानून है। दरअसल नए कृषि कानूनों का विरोध करने वाले किसान संगठनों का दावा है कि नए कृषि कानून से कॉर्पोरेट्स खेती किसानी पर हावी हो जाएंगे, जिससे छोटे किसानों की जमीन वो हथिया सकते हैं। सरकार लगातार इस बात को नकारती आ रही है और यही वजह है कि छोटे किसानों का भरोसा जीतने के लिए हर बड़े मंच से पीएम उनसे जुड़े ऐलान कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि देश में अब कृषि क्षेत्र में विज्ञान का फायदा उठाने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा, इससे हमें फल सब्जी वगैरह के उत्पादन में मदद मिलेगी और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। अब हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं और हमें इसका पूरा लाभ भी उठाना है। ये देश को खाद्य सुरक्षा देने के साथ फल सब्जियां और अनाज का उत्पादन बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। लेकिन किसान की आमदनी बढ़ने में नई चुनौती छोटी जोत के किसान हैं। दरअसल देश के 80% किसानों के पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। ऐसे में सरकार छोटे किसान को ध्यान में रखकर फैसले ले रही है। छोटे किसानों के लिए फसल बीमा योजना, सोलर पावर, किसान उत्पादन संगठन जैसी कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि कृषि के जानकारों का मानना है कि छोटे किसानों के लिए सरकार को जिस तरह की कोशिशें करनी चाहिए उनमें अभी काफी सुधार की जरूरत है। छोटे किसान है विशेष तौर पर, उनके लिए एक ठोस कार्य योजना बनाने की जरूरत है, जिसमें उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको वैल्यू एडिशन करने के लिए छोटे छोटे उद्योग गांव के आसपास में लगाना, उनको एक्सपोर्ट की किसी तरह फैसिलिटी देना ताकि उनकी अच्छी कीमत मिले और किसान को भी बेहतर आमदनी मिले, इस प्रकार की एक विशेष कार्य योजना सरकार को सामने लानी होगी। इसके साथ ही पीएम ने किसानों को ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रोत्साहित करने की भी बात कही है। पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में ऑयल पंप ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। जानकार भी मानते हैं कि ऑर्गेनिक उत्पादों के जरिए किसानों को बढ़ावा देने के साथ ही अर्थव्यवस्था को भी इससे काफी मदद मिल सकती है। जैविक खेती एक ऐसा सेक्टर है सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए और इंटरनेशनली कोलैबोरेट करके देश का उत्पाद इंटरनेशनल मार्केट में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप करके या बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ सपोर्ट करके इंडिया के जो मार्जिनलाइज छोटे किसान हैं उनकी जैविक खेती विदेशों में पहुंचाया जा सकती है, जिसके कारण एक अच्छा दाम मिलने की उम्मीद है, उसके साथ साथ बहुत बड़ा मार्केट मिल सकता है। अब देखना यही है कि सरकार किस तरह से छोटे किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए अपने इस फॉर्मूले का सफलता के साथ इस्तेमाल करेगी, जिससे हर किसी को फायदे की सौगात मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट,